मुशी भाई से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, बट यस उस वक्त कांटेक्ट नहीं होता, बट अब आई होप अब हमारा कांटेक्ट उनसे हो जाएगा। सबसे पहले तो मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं मुशी भाई? जी अल्लाह का शुक्र। सॉरी मैं ग्राउंड में हूँ अभी और आप लोगों के अपने साथियों को एकदम टाइम मिला तो मैंने कहा जरा आप लोगों से डिस्कशन कर लें, कोई सवाल अपने मिसबा के, शाहिद के, इन सब के सवालों को मैं लेना चाहता हूँ आज। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो हम आपको मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से, और आपको इस वक्त जरा प्रैक्टिस की बड़ी जरूरत है आपकी टीम को, लगातार 3 मैचेस आप लोग हार गए हैं। अभी हम आपके आने से पहले यही बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि टीम जो है ना वो मुल्तान सुल्तान की बिल्कुल इस वक्त निकल सी गई है। सो इस वक्त ड्रेसिंग रूम का क्या हालात है सर? 18 रन आखिरी ओवर में पड़ गए और बहरहाल सिचुएशन कुछ गंभीर सी लग रही है, परेशान कौन तो है सूरत हाल? नहीं, ऐसी एसएच कोई परेशानी नहीं है, ये तो हमारा काम है ना, कोचेस का काम होता है यहाँ पे खुद भी नहीं गिरना होता और लड़कों को भी नहीं गिरने देना, क्योंकि जो मैचेस कल हम जो मैच हारे हैं वो जीता हुआ मैच हारे हैं। ये सिचुएशन देखी जाए जो कराची के खिलाफ हम मुल्तान में मैच हारे थे तो वो भी हम हारे हुए मैच जीते थे, तो ये गेम का हिस्सा है। हाँ, जो मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है जीतने और हारने का, उसके ऊपर बंदे को थोड़ा फोकस करना चाहिए। जो थोड़ी सी हमसे टैक्टिकल मूव्स हो रही हैं, जो मिस्टेक्स हो रही हैं फील्ड में, उसमें कोशिश करके हम रिव्यू कर रहे हैं। और बाकी जो आज प्रैक्टिस है हम उन लड़कों को लेके आए हैं प्रैक्टिस के ऊपर जो लड़के नहीं खेल रहे, ताकि उनको रिस्पेक्ट मिल सके, उनकी इज्जत मिल सके, ताकि उनको ये फील ना हो कि हार के भी हम अपना फोकस और प्रोफेशनलिज्म जारी रखेंगे। बट मुशी भाई कल के अगर मैं मैच की बात करती हूँ, कल तो मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग हम सब कन्विंस थे ये कि नहीं जी मुल्तान सुल्तान तो जीत गया। और एक जो पॉइंट मेन पॉइंट था ना, जहाँ मुझे लगा जब आप लोगों ने आजम को जल्दी आउट किया ना, तो मुझे ये हुआ कि नहीं जी अब तो आजम को टैकल कर लिया, एंड नाउ द गेम इज फिनिश। मतलब अब मुझे लगता है कि इससे आगे शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड ना जीत सके। एक इक्वेशन ऐसी आ गई थी कि शायद 22 रन पे कोई 66 22 बॉलों पे 66 रन चाहिए थे। क्या हुआ अचानक से, और उस वक्त जो है ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल था मुल्तान सुल्तान के? अच्छा, वैसे पहले तो फहीम को इसको क्रेडिट देना चाहिए, बहुत पहला इनिंग्स खेला वो, उसने बड़ा अपना कॉम्पैक्ट रहा अंडर प्रेशर, उसने अपने प्रोसेस को नहीं भूला और उसने बहुत अच्छे 2-4 शॉटे तो बहुत ही जबरदस्त मारी है। हमसे गलती थोड़ी सी फील्ड प्लानिंग में होगी और जो प्लानिंग एग्जीक्यूट करनी चाहिए थी उस पिच के मुताबिक वो थोड़ी सी हमसे, हमारे बॉलर्स है जैसे यंग है, अब्बास है या आपका अलियास है, ये इनको थोड़ा सा वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस कह लें आप, इनके अंडर प्रेशर जो सिचुएशन उनके ऊपर आई तो उसको सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सके अपने बॉल को। उसके अलावा तो हमारा बिल्कुल मैच एज यू सेड के 95% हमारे हाथ में था, तो ये सम टाइम ऑपोजिशन को भी क्रेडिट जाता है। और थोड़ी सी जो हमसे मिस्टेक हुई एज यू सेड कि हमने वो जो फील्ड पोजीशन थी हमारे से वो गलती हो गई, और जो अलियास ने ओवर किया 19 रन उससे पहले अब्बास ने जो किया है वो थोड़े से एक्सपेंसिव ओवर इसलिए हो गए कि हम फहीम को जो उसकी एरिया था उस एरिया में जैसे सीधा बॉल यॉर्कर मारने चाहिए थे, यॉर्कर जो थे ना वो यॉर्कर सीधे वाले स्टंप टू स्टंप, वो जब आपको 22 बॉलों पे 57 या 53 चाहिए होते हैं ना, तो आपको विकेटों में ज्यादा बॉल रखने चाहिए ताकि वेरिएशन भी विकेटों में करें, ताकि एंड तक आपको विकेट मिलने का चांस रहे, क्योंकि वाइड आप वाइड यॉर्कर करते हैं यहाँ तो फिर आपकी फील्ड पोजिशन ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर आपको थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल जाए। So having said that, credit तो फहीम को जाता है, मगर ये कि हमारे थोड़ा सा प्लान से ही एग्जीक्यूट नहीं कर सके हमारे लड़के, जो कि हो सकता है प्रोफेशनल लोगों से। बिल्कुल, लाला भी हमारी स्क्रीन पर जो है वो अब नमूदार हो गए हैं, तो उनको भी हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में माशाल्लाह अचानक और रौनक आ गई बढ़ गई है। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी सबको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम तो कल वो तो शायद होएगा ना, वो ऐसे ही हुआ। ये तो देखे ना, ये तो हमारा सदियों का जोड़ है, वनडे में भी हम इकट्ठे खेले, टेस्ट मैचों में भी इकट्ठे खेले, इकट्ठे क्या खेले खुशी भाई, वो सारी चीजें ठीक है, वो सब ठीक है। बातें आप पहले दिन से करते हुए आ रहे हैं, आप मेरी बहुत तारीफें करते रहे पहले दिन से। आप मुझे बताएं कि क्या आप ऐसा बॉलिंग कोच मुल्तान सुल्तान कल जो मैच आ रहा है, मेरे ख्याल में इतने बड़े कोच या दावे करना कि मैं बॉलिंग कोच मैं प्लेयरों को गिरने नहीं देता, ये नहीं करने देता, कि मुशी भाई इतने आपके जो बॉलर है जो आप नाम ले रहे हैं ये तो काफी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, सीजनल प्लेयर्स हैं, इनको आपने किस प्लान के तहत खिलाया है, जरा प्लीज जवाब दे, हम सुनना चाह रहे हैं जरा। क्या उनसे यॉर्करें नहीं लगती, ये इतनी अच्छी पिचों पर ऑफ साइड से बाहर यॉर्करें कौन करता है, आप लोग क्या बाहर से कोई मैसेज कि क्या कर रहे थे आप लोग? पहली बात तो है मैं बॉलिंग कोच नहीं हूँ, अब से मैं मेंटियोर हूँ,
आज से मैं मेंटियोर हूं बॉलिंग कोच नहीं हूं शायद। अभी नोटिफिकेशन आ रहा है जी, अभी हुए जारी होगी मेरी, मैं मेंटियोर हूं, मैं बॉलिंग कोच नहीं हूं। और दूसरी बात रही, सबसे खूबसूरत बात शायद ये है कि प्लान जो एग्जीक्यूट किए ना बिल्कुल ठीक थे, फील्ड पोजीशन गलत होती है कई दफा ना एज ए बॉलर, जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना डोमेस्टिक क्रिकेट में भी और हमारे कल्चर में भी। कप्तान एक टाइम तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं, जब आप ग्राउंड में जाते हैं ना आपको फील्ड का पता होना चाहिए। अगर मैंने और शायद आपने गुगली करनी है, अगर मिड विकेट नहीं लेंगे तो बैट्समैन को पता चल जाता है कि जी अगर यहां से करेगा तो मैंने इसको इधर मिड विकेट पे मारना है। जब आप वाइड यॉर्कर करते हैं तो पॉइंट आपको पीछे लेना चाहिए, एक्स्ट्रा कवर पीछे लेना चाहिए, ताकि आप कभी भी एक बॉल के लिए फील्ड सेट नहीं करते होते, याद रखिएगा। एज ए बैट्समैन यू टेल मी, अगर आपको पता हो कि बंदा बाउंसर भी कर सकता है, स्लो बॉल भी कर सकता है, वाइड यॉर्कर भी कर सकता है, उसमें थोड़ी सी हमसे गलती हो गई है। और ये जो प्लान जो होते हैं ना एग्जीक्यूट अंडर प्रेशर, कई दफा आपको भी पता है प्लेयरों ने जाके एग्जीक्यूट करने होते हैं, इसके ऊपर हम उनसे रिव्यू कर सकते हैं। जब आपने बात की है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब हमने गिरने नहीं देना, जैसे मैं हमेशा बिलीव करता हूँ इस सिचुएशन में फहीम भी हमारे साथ मौजूद थे और फहीम ने एग्जैक्टली यही कहा कि लास्ट ओवर में उनको फील्ड प्लेसमेंट देख के अंदाजा हो गया था कि अब आने क्या वाला है, क्या होने वाला है, जिसकी वजह से वो ही वॉज रेडी और वो चार्ज कर सके उस पर। मिसबा आप अभी यही बात कर रहे थे फील्ड प्लेसमेंट्स की, और जो हमने शुरू में बात की थी कि बॉलर्स और फील्ड प्लेसमेंट का एक कोऑर्डिनेशन और केमिस्ट्री उस तरह की दिख नहीं रही थी। देखिए ये वही बात आ गई ना कि ये सारी चीज़ें आप कब करते हैं, जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है। और मैंने पहले दिन ही पहले मैच के बाद ही मुशी भाई से एक बात कही थी कि आपकी फास्ट बॉलिंग इनएक्सपीरियंस है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको आप कहीं ना कहीं मुश्किल में आएंगे जब अच्छी पिचेस आएंगी, क्योंकि आपके नए बॉल पे भी एक्सपीरियंस नहीं है, फिर डेथ बॉलिंग में भी एक्सपीरियंस नहीं है। अभी तो आपके दो बॉलर आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, लेकिन जब प्रेशर पड़ेगा अच्छी पिच आएगी। और मुझे उस वक्त मैंने शायद ये भी कहा था कि जैसे ही आप यहाँ से निकलेंगे लाहौर और पिंडी आएंगे तो थिंग्स विल बी डिफरेंट, क्योंकि यहाँ नहीं बचते। आप देखें कि अच्छे बॉलर एक्सपीरियंस बॉलर भी 10 ओवर जा रहे हैं, तो जो यंग बॉलर हैं जिनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, ये जो सारी चीज़ें हैं फील्ड प्लेसिंग, कौन सा बॉल करना है, इस पिच पे कैसे करना है, यंग बॉलर यही होता है कि जब दो पड़ती हैं तो उनको फिर एग्जीक्यूशन का उनको कुछ समय नहीं कि थर्ड आपने थर्ड मैन और पॉइंट ऊपर रखा और ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर मारने जा रहे हैं, एक तो बैट्समैन को पता है, फिर आपकी प्रोटेक्शन भी नहीं है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुझे लगता है कि ये जो पिंडी की पिचेस हैं, इस्लामाबाद है या जो भी टीम यहाँ पे कुछ ना कुछ एंड पे रोक रही है या बचा रही है रन्स, वो कैसे बचा रही है कि वो एटलीस्ट मार तो पड़ रही है लेकिन वो बॉलिंग उस प्लान के साथ करते हैं कि जहाँ विकेट का भी चांस हो, इवन आखिरी ओवर्स में भी। सिंपली अगर आप स्कोर रोकने के उससे जाएंगे कि स्लोअर वन करने हैं, बाहर यॉर्कर कर देना है इधर उधर, तो उसमें तो एक तो विकेट का चांस भी नहीं होता, दूसरा 14-15 रन हो ही जाते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जाना आपकी उस वक्त तक खलासी नहीं होगी जब तक वो बैट्समैन कोई भी सेट खड़ा है वो आउट नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये, अभी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। लाला 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 एक मिनट लाला, वक्त का मुकाबला सख्त, हमने प्रिडिक्शन अभी तक ली नहीं है और प्रिडिक्शंस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि फिर हमारे टेबल ऊपर नीचे हो जाएगा। सो टाइम फॉर प्रिडिक्शंस। पेशावर जलमी वर्सेज लाहौर कलंदर, सबसे पहले इस मैच की प्रिडिक्शन सबसे जानते हैं, लाला आपसे शुरू करते हैं। मैं तो जी अभी मैच एक इनिंग हो चुकी है, अगर ना भी होती तो मैं लाहौर के साथ ही जाता। ठीक है इमाम। मैं मुझे पेशावर के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। मिसबा कह रहे जी पेशावर ही पिक कर लेते हैं। इरम जी मेरी तो लाहौर ही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान, मिसबा इस्लामाबाद मार्क कर दी जाए आपके लिए। आज मुझे लगता है फेवरेट टीमों का बुरा देना है तो मैं अब टीम बदल रहा हूँ, आज मैं मुल्तान। आज टीम बदल रहे हैं मुल्तान। इरम योर टीम। नहीं जी मैं मुल्तान के साथ जाऊंगा। इमाम आपकी टीम। जी मैं मुल्तान के साथ जाऊंगा। ओके जी मुल्तान। लाला इस्लामाबाद।
बिल्कुल जी, ये वही हुआ इमाम, हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। मिसबा आप जो हटे इस्लामाबाद से, तो यस देखें जी क्या हुआ, बट लाला कांग्रेचुलेशंस, पॉइंट स्टेबल भी दिखा देते मेरे ख्याल से, वैसे तो बड़ा अच्छा रहता। मेरा ख्याल पॉइंट स्टेबल वक्त बहुत कम रह गया है आज, और जल्दी से पॉइंट स्टेबल अगर आप देखें तो फिर वेल पीपल आर कैचिंग अप ऑन मिसबा। मिसबा के 32 पॉइंट है, गॉट 16 राइट, 30 पॉइंट्स हैं इमाम के, और 26-26 पे टाई हो गया है फॉर द थर्ड प्लेस इरम और लाला। सो या इमाम लाला इज कैचिंग अप, इमाम इज कैचिंग अप, इमाम इज कैचिंग अप प्रीटी फास्ट। चलें जल्दी से आज के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और ये दोनों टीमें एक दूसरे के सामने 20 दफा आ चुकी हैं। एक जमाना था कि ये पाकिस्तान सुपर लीग की फियर्सेस्ट राइवलरी मानी जाती थी, अब सिचुएशन ऐसी नहीं है। पेशावर ज़ल्मी ने रीसेंट ईयर्स में डोमिनेट किया, इस मैच को 12 मैचेस जीतने में कामयाब हुआ है पेशावर ज़ल्मी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 8 मैचेस जीता है, और आज क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए एक बहुत अनयूजुअल मैच है। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द स्टार्ट ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, 80 मैचेस के बाद पहली बार कप्तान सरफराज एक्शन में नहीं होंगे, उनकी जगह नवाज कप्तानी करेंगे, एंड बिस्मिल्लाह खान हैज बीन ड्राफ्टेड इन, हु इज एक्चुअली फ्रॉम क्वेटा। बिल्कुल, सो मुशी भाई सबसे पहले आपसे, पेशावर ज़ल्मी या क्वेटा ग्लैडिएटर? नेवर सेकंड थॉट, पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी, ये देखो टिक के एक जगह रहते हैं। लाला आपकी? पेशावर जी। पेशावर जबरदस्त, ठीक है। मिसबा? पेशावर जी, पेशावर। इमाम सोच रहे अलग से? जी पेशावर, पेशावर। आज इरम की प्रेडिक्शन हमारे पास आ गई है, एंड इरम हैज गॉन विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स। सो यस, इरम ने जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स चूज किया, सो अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं। चलें जी, ग्रेट, थैंक यू सो मच जेंटलमैन, थैंक यू आप सबका बहुत शुक्रिया। लाला, मिसबा, इमाम अंगड़ाई ले रहे हैं, खत्म हो गया। मुशी भाई थैंक यू सो मच, गुड लक विद योर प्रैक्टिस एंड स्टफ।